हम रुके ये कोई पार्क नहीं अब जगह तो अरे यार बॉस ये स्टेट प्लेयर लग रहा मुझे ये मेरे सामने राधे राधे भाई मैं जा रहा हूँ दीदी के कॉलेज क्योंकि दीदी की फीस जमा करनी है और ठंड है आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी हमको लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊँगा लेकिन बारिश तो बंद हो गई है चलते हैं जमा कर लेते हैं प्रिंस को ले लेते हैं पहले स्कूटी कितनी गंदी हो जाती खांसी आ रही क्या तुम सुबह सीधा बाहर रोड पे घूम रहे हो कब आया चलो मैं आता हूँ कॉलेज दीदी के आता हूँ फिर छत पे चलना था कॉलेज छत पे खेलोगे हाँ नाना सो रहा है नाना मौसी दोनों लोग सो रहे हैं हाँ अरे तो अभी नीचे खेल लेना ठीक है मैं आता हूँ तो फिर आना ठीक ओके लेकिन ये जो भैया अंदर हैं ये लगभग आधे घंटे से ऊपर से निकल नहीं रहे निकल लो भैया अब आ रहा है चलते मेरा टाइम आ गया है इतना टाइम आएगा पेड़ पौधे ज्यादा है ना भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग गई और मेरे को यहाँ पे काला भी दिख रहा हूँ आपको जैसे दिख रहा होगा मैं तो खैर काला हूँ तो भैया कहाँ ले जा रहे हो कहाँ ले जा रहे हो क्या बीच में रोक दो एकदम कहीं भी रोक देते हैं एकदम देखो पटक चल रहा था हम लोग को भाई कॉलेज और ये रहे हम लोग वो रहे कार भैया पलटो तो कैमरा पलटो बस बना लिया बाल चलेंगे कॉलेज लॉक कर दिए चलो भैया और यहाँ के टॉपर जो है लौंडे वो थोड़ा चरस मार के टॉप करते हैं फैमिली व्लॉग है चरस मार के एकदम ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है यार चलो चार अंकल ये किसको जर्सियों को ताड़े अब कह रहे थे चला जा भाई बारिश होने लगेगी बहुत तेज तो हम लोग यहीं रह जाएंगे भैया हाँ ये ले चलो यहीं स्कूल के पास ही में एक जस्ट छोटा सा पार्क है तो हम लोग थोड़ा सा रुकने का प्लान बनाया है कि थोड़ी देर यहाँ रुक लेते हैं दो तीन बच्चे मैच खेल रहे हैं अरे यार नहीं खेल पा रहा ये लड़का शिट नहीं खेल पा रहा यार एक बॉल नहीं मार पा रहा और यार ये पार्क हम लोग के उसमें होना चाहिए हम लोग के एरिया में होना चाहिए इतना बड़ा भाई नहीं नहीं कटेगा नहीं आप लोग के सब सामने है जो भी सच्चाई है हम लोग के एरिया में कोई पार्क नहीं है भाई सब जगह अरे यार बहुत सही भाई आउट ये लड़का आउट लिया है ये स्टेट प्लेयर लग रहा मुझे क्या हुआ फीस वीस जमा करके तो आ गए हैं और पापा भी फ़ोन कर रहे थे कि स्कूटी मुझे दे दो लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे एक लोवर लेना है तो सोच रहा हूँ पहले चला जाऊँ लोवर ले आऊँ फिर पापा को स्कूटी दूँ अरे बंदर आ गए आज फिर ये बैठी है और उसके उसके पास बच्चा भी छोटा सा उस साइड बैठा हुआ है अभी ये सब इधर ही आएंगे फिर इधर से जाके पीपल के पेड़ पे ये देखो मेरे जस्ट सामने कितना छोटा बच्चा है इसका मेरे बालकनी में कूदेगी अब ये कूद जाओ कहाँ जा रही हैं आंटी आप उधर से नीचे कहाँ उधर से नीचे तार पे अच्छा तार से आप होके जाएंगी जाइए अकेले हैं ये सब
ये देखो मेरे बालकनी में आ रही है, जस्ट मेरे यहाँ पे। अरे बाबा जा, चले जाइए चले जाइए चले जाइए चले जाइए चले जाइए। बच्चा इसका बड़ा क्यूट लग रहा है, पीपल पे चला जाएगा। कितना पेपर और बाकी है? दो दो पेपर इनका बाकी। मैं बैठ के गूगल खा रहा हूँ, अभी अभी घर में आया हूँ, कपड़ा चेंज किया और न्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो मोबाइल में देखा दिखा रहा कि आज थोड़ी सी धूप निकलने के बाद 3 दिन बारिश हो सकती है। ओह नो, पढ़ाओ भाई बारिश को पढ़ाओ। बारिश होगी अब तुम धूप, बारिश होगी ठंडी बढ़ेगी और मैं दिन भर का घर में बैठा रहूंगा। और कोई काम धंधा है तेरे पास? क्या बना रही है? मशरूम बनाऊंगा मैं। अभी मशरूम बचा है ना, मुझे पता चला। हां हां प्लेयर स्टेट प्लेयर। ए तुम पीछे जाओ भाई, तुम पीछे जाओ पीछे। व्लॉग आंटी आ रही, रुक जाओ भाई अंधेरा हो ज्यादा। शुरू कराओ ऊपर देखने लिए, क्योंकि कल से ये लोग जा रहे हैं जिम, तो जा रहे हैं जिम। दो बार देख लो भाई, लाए थे नया कुछ नया बहुत कुछ है। चेक करो भैया, ट्राई करो ब्लैक में लो भाई। बाजार टहलने और यहाँ से मुख जा रहे हैं एटीएम। ये अरुण ही निकालेगा क्योंकि कल से ये जिम स्टार्ट कर रहा है ना, तो 1.5 लाख की जरूरत है इसको। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जिम में कुछ प्रोटीन वगैरह लेगा और सतुआ पानी लेगा। सतुआ पानी नहीं भी जिम में गए डंबल अंबल से कम से कम 10 किलो उठाएगा। तो पैसा 1 लाख निकालो तो तभी डंबल से उठा पाओगे। ये देखो एक लोग ये हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे डंबल उठाना शुरू करूंगा मैं। हाँ और ये देखो क्या कह रहा है, इसके बारे में बताओ। खत्म हो रही है भाई बाजार, क्योंकि हम लोग टाइम 10 बजे आ रहे हैं। हम लोग भागवत में आए हैं, सभी के लिए सुख